आज 26 मार्च 2021 आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। इस भारत बंद को कैसे प्रतिसाद मिला ये किसी भी न्यूज चैनल ने, गोदी मीडिया के किसी भी न्यूज चैनल ने इसे कवर नहीं किया है और इसलिए शायद हम लोगों को ऐसा ना लगे कि भारत बंद की स्थिति क्या रही, कई ये आंदोलन खत्म तो नहीं हो गया है, तो इसलिए ये वीडियो में आप लोगों तक लेकर आ रहा हूं। आज का जो भारत बंद रहा ये पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तो वैसे ही लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में कहीं पर भी आने जाने की यानी 10 लोगों से ऊपर भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है, तो महाराष्ट्र को हम उसमें नहीं पकड़ रहे हैं। तो पूरे भारत भर में किसानों के इस आंदोलन को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और पूरा बंद कई राज्यों में देखने को मिला। पंजाब में, चंडीगढ़ में, कई राज्यों में रेल बंद कर दी गई थी, रोडवेज बंद थे। तो एक अच्छा प्रतिसाद जो मैं आप लोगों को ये कटिंग्स दिखा रहा हूं आज सुबह से लेकर, जो अलग अलग हमारे कार्यकर्ता अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो पोस्ट भेजी है, उन्होंने जो फोटोज शेयर की है, ये फोटोज मैं आप लोगों तक लेकर आ रहा हूं। तो आज का जो भारत बंद रहा ये मुझे लगता है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में जिस तरह से बीजेपी के लोग घुस गए थे और इस आंदोलन को एक गलत दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, आज का आंदोलन सही मायने में एक सफलतापूर्वक आंदोलन आज का रहा और सभी राज्यों में इस आंदोलन की जो चिंगारी है वहां पर हम लोगों को देखने को मिली। तो आज का आंदोलन, किसानों का आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक रहा। आज किसानों के आंदोलन को 4 महीने पूरे हुए हैं। नवंबर 26 यानी जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत को संविधान निर्माण करके उनको अर्पण किया था, उसी दिन पे किसानों ने संविधान को बचाने की, संविधान को उसकी रक्षा करने का ये जो वीड़ा उठाया, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, आज उस आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए हैं और इस आंदोलन में हम किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। हालांकि हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहां पर अभी लॉकडाउन की स्थिति है, अलग अलग राज्यों में जाने के निर्बंध है, कर्नाटक में हम नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं जा सकते, कोविड के टेस्ट रिपोर्ट्स आए बिना हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज जो हमारे अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ता है और अंबेडकराइट्स, खास करके जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये लोग भी किसानों के आंदोलन में शामिल है और किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। जो किसान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनके साथ बाबा साहब अंबेडकर जी का परिवार भी डटकर खड़ा है और हम हमेशा किसानों के आंदोलन के साथ रहेंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं थे, एडवोकेट, बार काउंसिल के लोग भी खुलकर सामने आए और उन्होंने भी अपना समर्थन किसान आंदोलन में दिया। विद्यार्थी किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए, डॉक्टर्स किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और इसलिए ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के साथ इस देश का हर वो नागरिक जो किसानों के उपज के ऊपर निर्भर करता है, हर वो नागरिक इन किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ लोग हैं जो किसानों के उपज के अलावा जानवरों के उपज के ऊपर, यानी जो जानवर गोबर और ये जो सब करते हैं वो अगर खाकर कोई जीवित रह रहा है, तो सिर्फ ऐसे ही लोग किसानों के आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं और ऐसे लोग किसानों के आंदोलन को आगे नहीं प्रचारित कर रहे हैं, उसको दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, अपने चैनल्स पे जगह नहीं दे रहे। तो आज ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज का आंदोलन, ये शायद गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं बताना चाह रहा हूं कि आज का किसानों का आंदोलन, देश का आंदोलन, जन आंदोलन, ये सफलतापूर्वक इस देश में किया गया और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों ने जो भूमिका ली है उस भूमिका के साथ हम देश के सभी नागरिक उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ इस मुद्दे के ऊपर है। यही कहने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष